हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर रोबोटिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोजेक्टर बना के दिखाने वाला हूँ। और इस प्रोजेक्टर की खास बात यह है कि हमें ये HD पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ इसका जो लेंस है वो भी हमने खुद बनाया है। तो चलिए आज का ये प्रोजेक्टर का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दो। मैं तो चलिए शुरू करते आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्टर को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े ले लिए, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। इनके जो डायमेंशन है वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो ये देखो, इसका जो डायमेंशन है, ये दोनों पीस का डायमेंशन 7.5 इंच और 4.3 इंच है। इसका डायमेंशन देखो, ये ऐसा 7.5 है और ऐसा 4.3 है। मैंने इंच में इसलिए बताए क्योंकि ये बड़े साइज का बॉक्स है, जिसके कारण आपको जो मेज़रमेंट है उसको समझने में आसानी होगी। अगर मैं MM में या फिर सेंटीमीटर में बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लगेंगे और अच्छे से समझ में भी नहीं आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इंच का यूज़ किया है। तो मैं आपको सारे डायमेंशन जो है उसको इंचेस के अंदर समझाने वाला हूँ। तो ये दोनों पीसों का डायमेंशन है, जो कि आपने देख ही लिया। उसके साथ ये दो पीस है और कार्डबोर्ड के, उसका डायमेंशन है 4 इंच और 11 इंच, मतलब 4 इंच बाय 11 इंच। इस तरीके के जो डायमेंशन के हैं दो पीसे, उसके साथ दो बड़े पीस है जिनका डायमेंशन है 11 इंच और 7.5 इंच। इस डायमेंशन के भी आपको यहाँ पे दो पीस लगने वाले। और ये भाई कोई डायमेंशन का नहीं, ये एक्स्ट्रा का आ गया इनके साथ। तो चलो इसको रखते हैं साइड में। और इतने ही पीस का हमें यहाँ पे काम है। ये टोटल 6 पीस है और इनके डायमेंशन मैंने आपको दिखा दिए। अगर आप इनका बॉक्स नहीं बनाना चाहते तो आप जूते चप्पल का जो पुराना बॉक्स आता है उसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीडियो देख के इस बॉक्स को बनाते हो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा भाई, क्योंकि इसके डायमेंशन है वो मैंने एकदम परफेक्टली लिए है, जिसके हिसाब से जो प्रोजेक्टर बनेगा वो काफ़ी बढ़िया से वर्क करेगा। अगर नहीं बनाना चाहते तो है ही ऑप्शन जूते चप्पल का बॉक्स। उसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ वाइट पेपर ले लिए। इनको हमें इस कार्डबोर्ड को यहाँ पे चिपकाना है एक साइड से। हम यहाँ पे वाइट पेपर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, वाइट पेपर को क्यों चिपका रहे हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्टर है उसके अंदर जो लाइट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करनी है यहाँ पे, जिसका मतलब कि हमारी जो लेंस है उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गिरानी होगी, तभी हमारी जो पिक्चर क्वालिटी है वो हमें HD में और काफ़ी बड़े साइज़ में देखने को मिलेगी। तो वाइट कलर का जो पेपर होता है वो काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाता है। इसकी जगह पे आप एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी बढ़िया से वर्क कर जाएगा। तो चलो अब ये जो पेपर है इसको हम यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो इस पीस के ऊपर यहाँ पर मैं फेविकॉल लगा लेता हूँ। पहले तो आप इस थैली को, इस नाम को देख के कन्फ्यूज मत होना, ये बुलबॉन्ड नाम है लेकिन ये फेविकॉल का ही रूप होता है। जो फेविकॉल है वो छोटी बोतल में आता है, और ये जो बुलबॉन्ड है ये 500 ग्राम की बड़ी थैली है। इसको ये कम प्राइस के अंदर मिल जाती है और चिपकाती वैसे ही जैसे फेविकॉल है। आप 10 रुपये के डिब्बी का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं सारी और यहाँ पर फटाक से फेविकॉल लगा देता हूँ। जब तक मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने पहले से कर रखा है तो मैं आपका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो तो लाइक करना सभी का बाकी होगा अभी तक। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, मैं इसको लगा लेता हूँ। तो भाई साहब, यहाँ पे मैंने पूरा फेविकॉल लगा दिया है। अब बस इसके ऊपर हम इसको ऐसे चिपका देते हैं। और इसको जैसे मैं चिपका रहा हूँ और थोड़ा उसके ऊपर से प्रेस कर देते और इसको थोड़ा रख देते, और इसी तरीके से इसको अंदर से भी मैं दबा देता हूँ, जिससे कि ये काफ़ी मजबूती से यहाँ पे चिपक जाए। तो ये चिपक जाने के बाद, और जो बाकी के कार्डबोर्ड के टुकड़े बचे हैं ये टुकड़े, तो इनको भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे फेविकॉल लगा के चिपका के रखता हूँ। उसके बाद सूखने के आपको। दोस्तों, हमारा जो कार्डबोर्ड के ऊपर हमने व्हाइट पेपर लगाया था वो एकदम बढ़िया से यहाँ पे चिपक चुका है। अब इसको मैं सीजर के द्वारा अच्छे से कट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसको यार कट कर रहा हूँ, यार आप अभी भी
चैनल को अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो जल्दी से जल्दी कर दो, और वीडियो को तो भाई अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपको इतना सस्ते के अंदर, इतना बढ़िया, इतना चीप प्राइस के अंदर, इतना बेटर क्वालिटी का प्रोजेक्टर जो बना के दिखा रहा हूँ। तो चलो मैं फटाक से इस तरीके से जो सभी कार्डबोर्ड के ऊपर का जो एक्स्ट्रा का पेपर है उसको कट कर लेता हूँ, ताकि मुझे भी आपका जो समय है वो ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। मुझे किसी का समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता भाई। इसके लिए आप वीडियो को स्किप मत करो। जो भी कुछ करना था उसको मैंने, जो एक्स्ट्रा का पार्ट था उसको शूट नहीं किया, और जो शूट हुआ था उसको एक्स्ट्रा का पार्ट को कट कर दिया, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। तो चलो मैं फटाक से सारे इस तरीके से कट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी जो पीस थे उनको कट करके रेडी कर लिया है। तो एक साइड में हमने उनको वाइट तरीके का जो पेपर लगाया था वो है, और दूसरी साइड में इस तरीके से कार्डबोर्ड के साइज के है। तो अब हमें इसके ऊपर लेंस लगाना होगा। तो लेंस के लिए यहाँ पे एक गड्ढा करना होगा, एक होल करना होगा। लेकिन अगर आपके पास ये लेंस नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लेंस है ये मैंने खुद 5 रुपये के अंदर बनाई है, मेरे पास भी नहीं थी। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन के अंदर मिल जाएगा। आप काफ़ी आसानी से 5 या 10 रुपये के अंदर इस लेंस को बना सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा दिन तक ये चलेगी, और HD क्वालिटी आपको, पिक्चर क्वालिटी ये लेंस प्रोवाइड करने वाली है। तो चलो इसका नाप ले लेते हैं। तो ये कुछ लगभग यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर की है, मतलब 75 mm की है। तो उससे हमें जो 3.3 mm है उतना यहाँ पे नाप ले लेना है, जिससे कि हमें 6.6 mm का यहाँ पे डायमीटर का जो सर्किल है वो खींच लेना है। तो चलो इसको मैं फटाक से यहाँ पे इससे खींच लेता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, कंपस बोलते हैं शायद, इससे मैं खींच लेता हूँ। और उसके बाद इस तरीके का जो चाकू, अरे भाई ये क्या हो रहा है, चाकू ही अंदर घुस गया। तो इस तरीके से आपको चाकू से इसको कट कर लेना है। तो चलो मैं फटाक से इसको भी कट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे कट हो चुका है। देखो मैं आपको जादू दिखाता हूँ। देखो ये निकल गया यहाँ से, तो इतना ही हमें यहाँ पे होल करना था। तो अब हमें इस वाइट साइड जो है, वाइट पेपर लगाई हुई साइड, उसके साइड में यहाँ पे इसको ऐसे चिपका देना है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे गड़बड़ दिख रही होगी, ये बबल दिख रहा होगा। ये बबल आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं करेगा। ये बनाते वक्त आपको थोड़ा सी सावधानी रखनी है, जो कि मैंने वीडियो के अंदर बताई है कि लेंस बनाते वक्त कैसी सावधानी रखनी। ये तो भाई मेरी गलती की वजह से यहाँ पे बबल आ गया है, लेकिन इसकी जो भी बबल आया है ये हमारे प्रोजेक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, अगर इतना छोटा बबल है तो। तो चलो इसको ग्लू स्टिक से पहले चिपका लेते हैं, और फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो बबल है ये हमें कैसे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम देगा। तो देखो, जैसे ही हम इसको ऐसे खड़ा करते हैं तो जो बबल है वो एयर का होने की वजह से ऊपर की साइड में चला जाता है, और जैसे हम इसको पूरा सीधा करते हैं तो ये ढक जाता है इस कार्डबोर्ड के पीछे, जिससे कि ये हमें पिक्चर क्वालिटी जो है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलो इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पे जो बॉक्स है उसको यहाँ पे चिपका लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ इसको चिपकाने के लिए। आप यहाँ पे ग्लू गन की जगह पे फेविकॉल, एरल डाइट नहीं भाई, इतना ज़्यादा हार्ड ग्लू की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ फेविकॉल या फिर हॉट ग्लू या फिर सिंपली जो टेप आता है उससे भी चिपका सकते हो, या फिर जो गोंद आता है हमारा नॉर्मल ग्लू, उससे भी आप इसको काफ़ी आसानी से चिपका सकते हो, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है भाई, किससे भी काफ़ी मजबूती के साथ चिपक जाता है। लेकिन फेविकॉल सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी सुखाने के चक्कर में इसको हॉट ग्लू से चिपका रहा हूँ, और जो हॉट ग्लू है इससे भी ये इतना मजबूती से चिपक जाता है कि फट जाता है लेकिन निकलता नहीं है। तो चलो इसको भी यहाँ पे चिपका देते, और आप देख सकते हो भाई कितना बढ़िया से हमारा जो बॉक्स था वो बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे एक बेनिफिट ये होता है बॉक्स बनाने का कि हमारे जो डायमेंशन है वो हम खुद तय कर सकते हैं। अगर हम कोई जूते चप्पल का या कोई भी बॉक्स लेते हैं तो उसके अंदर जो डायमेंशन कंपनी ने बना रखे है बॉक्स के, वही हमें यूज करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपने डायमेंशन का और हमें जैसा चाहिए वैसा बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आप जूते चप्पल का बॉक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो अंदर थोड़ा सी गैप दिख रही है, तो अब हमें इन गैप को भी पैक करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो ये नोट्स के ऊपर लगाने का टेप आता है इसका यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये टेप ना मिले तो आप जो PVC टेप आता है उसका यूज़ भी कर सकते हो, जो हम वायरिंग के ऊपर लपेटते हैं। तो चलो मैं इसके ऊपर पूरा टेप लगा के इसको ढक देता हूँ।
The next day. तो भाई दूसरे दिन के अंदर मैंने इसको चिपका दिया, पूरा एक दिन लग गया भाई, क्योंकि उस दिन शाम हो गई थी इसलिए मैं अब दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ। तो देखो पूरा मैंने टेप इसके ऊपर चिपका दिया है और काफ़ी बढ़िया से ये पूरा पैक हो चुका है और दिखने में तो इतना बढ़िया लग रहा है भाई कि बोलूँ ही कि आपको, आप खुद ही देख सकते हो। और अंदर लाइट इतना ज़्यादा दिख रहा है कि जान दो, क्योंकि हमने वाइट पेपर का यूज़ किया है। तो अब हमें इसके अंदर कोई स्टैंड भी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया है। तो ये आप अपने मोबाइल के हिसाब से बना सकते हो। तो चलो इसको भी फटाक से चिपका के यहाँ पे स्टैंड बना लेते हैं। अगर आप ये स्टैंड नहीं बनाना चाहते तो आपने काफ़ी सारी मोबाइल स्टैंड देखी होगी कि सिर्फ वो जो पीवीसी पाइप का टुकड़ा रहता है उसके अंदर गड्ढा किया जाता है, या फिर जो बोतल कैप रहती है उसके अंदर छेद करके उसके अंदर मोबाइल रख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इस तरीके का अगर स्टैंड बनाते हो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसको हम काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर सकते और काफ़ी बढ़िया से ये वर्क कर जाएगा। तो चलो इसको चिपका के पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा जो स्टैंड था ये कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर ऐसे मोबाइल काफ़ी अच्छे से बैठ रहा है और ऐसे हिलाने के ऊपर भी ये नहीं गिर रहा है, मतलब जो मोबाइल है वो काफ़ी मजबूती के साथ अच्छे से यहाँ पे बैठ रहा है। तो ये इसके अंदर ऐसे बढ़ जाएगा और ऐसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। और इसको आगे पीछे करने का मकसद मतलब जो भी कुछ है वो आपको मैं समझा देता हूँ। जो मोबाइल की जो फोकस है हमारा, मतलब लेंस से बाहर आने वाला लाइट और जो प्रोजेक्ट होने वाला पिक्चर है, तो उसको हम ऐसे हिला के एडजस्ट करके उसकी जो फोकसिंग है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पिक्चर क्वालिटी है वो क्लियर हो सकती है, मतलब क्लियर होती ही है जैसे हम डिस्टेंस को चेंज करते हैं वैसे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बनाया है, आप इसको एडजस्ट करके जो फोकस है, पिक्चर क्वालिटी है, क्लियरिटी, उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अब ऊपर से भी ढकना होगा, लेकिन नहीं तो फिर ऊपर से लाइट आ जाएगी। तो चलो इसको यहाँ पे टेप से ही मैं चिपका लेता हूँ, टेप से ही ये काफ़ी बढ़िया से चिपक जाएगा। और यकीन मानिए गाइज, ये जो प्रोजेक्टर है इतना बढ़िया है ना भाई, एकदम HD क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड करने वाला है, जो कि आप खुद ही टेस्टिंग के अंदर देखने वाले हो। तो चलो अभी मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मोबाइल का ब्राइटनेस फुल कर लेना है, उसके बाद जो मोबाइल का ऐटो रोटेशन है उसको ऑफ कर देना है, और ऐटो रोटेशन ऑफ करने के बाद आपको जो मोबाइल है उसको ऐसे पलटा के रखना है। अगर आप सीधा रखते हो प्रोजेक्टर के अंदर तो जो हमारी इमेज, जो भी कुछ मूवी इमेज पिक्चर जो भी प्रोजेक्ट होगा दीवार के ऊपर, वो हमें सीधा मतलब उल्टा दिखेगा, मतलब अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसके पैर ऊपर दिखेंगे और जो उसका सिर है, मुंडा है, वो जमीन के ऊपर दिखेगा। इस तरीके से आपको अजीब पिक्चर दिख सकता है, इसलिए आपको पहले ही मोबाइल का ऐटो रोटेशन क्लोज कर देना है और मोबाइल को उल्टा करके रख देना है। तो मैं अभी आपको ये यहाँ पे क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई अंधेरे के अंदर मैं ये सब आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है वो अंधेरे में उतने अच्छे से नहीं कैच कर पाएगा, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको यहीं पे ये समझा दे रहा हूँ और इसकी जो टेस्टिंग है वो आपको अंधेरे के अंदर दिखा दूंगा। तो चलो अब इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ अंधेरे के अंदर, रूम के अंदर रख के। आपको वाइट जो हमारी दीवार है उसी के ऊपर ज़्यादा करके प्रिंट करवाना होगा, या फिर कोई कपड़ा भी लगा सकते हो जिससे कि आपको अच्छी क्वालिटी मिले। तो चलो मैंने इसके अंदर पिक्चर चला दी है और हम दीवार के ऊपर देखते हैं कि कैसा प्रिंट हो रहा है। तो देखो गाइस कितना बढ़िया से प्रिंट हो रहा है और काफ़ी बड़ी साइज के अंदर प्रिंट हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कैमरा के अंदर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा भाई, क्योंकि कैमरा कौन सा कैमरा, मेरे पास यहाँ पे मोबाइल है और वो भी बजट फोन, नॉर्मल जो मोबाइल आता है वही है, कोई बढ़िया वाला, कोई महंगा काफ़ी अच्छे सीरीज का मोबाइल भी नहीं है, सिर्फ जो नॉर्मल मोबाइल आता है वही मोबाइल है यहाँ पे, और उसी के अंदर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, उसकी वजह ये है कि जो मोबाइल है उसका एक्सप्लोजर जो रहता कैमरा का, वो मुझे काफ़ी बढ़ाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरे के अंदर जो मेरा मोबाइल है वो तो रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने कैसे वैसे करके इसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन आप देख सकते हो फिर भी कितनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे हमें मिल रही है। और जैसे जैसे आप प्रोजेक्टर को पीछे करोगे, दीवार से दूर लेते जाओगे, वैसे आपका जो पिक्चर है वो बड़ी साइज में होता जाएगा, और जैसे पास लाओगे वैसे छोटी साइज में होता जाएगा।
तो हमारा जो पिक्चर क्वालिटी है वो तो आपने देख लिया, काफी बढ़िया दिख रहा है। और जो भी कुछ है, आप अगर रियलिटी में इसको बना के चेक करते हो ना भाई, तो आपको पूरा मजा आ जाएगा इसका यूज करके। ये कैमरा में उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना हो रहा है उतना मैंने मेरी ओर से आपको दिखाने की कोशिश की। तो दोस्तों, आप इस मूवी को, आप इसको पूरा फुल एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।